આપે જોયું અયોધ્યાના સતત તમે આપને રંગ બતાવી રહ્યા છે ત્યારે અલગ અલગ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે અયોધ્યામાં અત્યારે કયો કાર્યક્રમ છે સીધા જઈશું અમારા સંવાદદાતા વિશાલ પાંડે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सत्येंद्र दास जी, अब आने वाले दिनों में 22 जनवरी तक क्या कुछ होने वाला है राम जन्मभूमि परिसर में, गर्भगृह में, और कैसे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है? वो पूरा तैयारी अब प्रारंभ हो गया है, और जितने हमारे वेद शास्त्र हैं, जितने देवी देवताओं हैं, और जो भी हमारे कुछ ऐसे हैं अनिष्टकारी जो योग हैं, ये सबका संयोग जब इकट्ठा होता है तभी इस प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। और उनको वो जो है कि किसी प्रकार से किसी को नाराजगी न हो जाए, ऐसे सभी को शांति करने के लिए पूजा अनुष्ठान किया जाता है। शास्त्रों की जो वर्णित है जिन मंत्रों का, उन मंत्रों के द्वारा आवाहन स्थापन आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी इस प्रकार से आह्वान किया जाता है, और उन सभी देवी देवताओं की पूजा होती है और मंत्रों के द्वारा होती है, और ये वेद मंत्र हैं और वेद मंत्रों के द्वारा सब सारे कार्य संपन्न होते हैं। और ये कल से प्रारंभ हुआ है और ये 21-22 जाकर के पूरा होगा, और 22 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अभी जिस मंदिर में पूजा होती है उस जगह पर क्या कुछ विशेष अनुष्ठान चल रहा है, कैसे आगे इस वक्त वहाँ पर पूजा चल रही है? वो जो पूजा चल रही है वो सब अलग अलग सारी व्यवस्थाएं हैं। रामलला जहाँ विराजमान है उसकी पूजा जो होती है प्रतिदिन वैसे हो रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और जहाँ अनुष्ठान हो रहा है वो अनुष्ठान के सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो उसी प्रकार से चलता रहेगा, और इसी प्रकार से जो प्राण प्रतिष्ठा की जो दिन आएगा उसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, और रामलला उस जो बन करके तैयार है रामलला का गर्भगृह उसमें स्थापित हो जाएंगे। रामलला की मूर्ति कैसी आपने देखी? नहीं, मूर्ति हमने नहीं देखी, क्योंकि मूर्ति देखने का हमें अवसर मिलेगा 22 के बाद। हम पुजारी हैं, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा उसमें हो जाएगी तब उसके बाद जब स्थापित हो जाएंगे, पुजारी का दायित्व तब बनता है कि उनकी पूजा